मुरादाबाद के महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने महिला थाने के पास एक जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सभी से अपील की कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। आज यातायात माह के अंतर्गत महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मुरादाबाद के छात्रों द्वारा महिला थाना चौराहे पर यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, जिसमें छात्रों के द्वारा लघु नाटिका के माध्यम से यातायात के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। छात्रों द्वारा बताया गया कि हमारी थोड़ी सी लापरवाही व ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने के कारण दुर्घटनाएं हो जाती हैं। प्रतिवर्ष दुनिया भर में लाखों लोग मृत्यु की भेंट चढ़ जाते हैं। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल ने कहा कि आज के युवा मोटरसाइकिल पर अनेक प्रकार के स्टंट करते हैं, जिसके कारणवश वे अपना और साथ ही साथ सड़क पर चलने वाले दूसरे व्यक्तियों का जीवन खतरे में डालते हैं। युवाओं को स्टंट नहीं करने चाहिए। दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने और मोबाइल का प्रयोग न करें। चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। यातायात के नियमों का पालन करें। इस मौके पर इंस्पेक्टर यातायात पवन कुमार ने कहा कि किसी एक्सीडेंट के दौरान पहला एक घंटा घायल व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नमस्कार, हम महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज के छात्र आज आपके सामने एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। आइए देखते हैं किस प्रकार लोग सड़क सुरक्षा का पालन करते हैं। पापा की कॉल, वन सेकेंड। हेलो जी पापा। हेलो बेटा, जल्दी आओ घर पे। अच्छा पापा, जरूरी काम है। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। जी पापा बोलिए। बेटा जल्दी मार्केट जाओ, बहुत जरूरी काम है। अरे यार मार्केट में एक साथ पे जाऊंगा पिताजी, मैं बाइक से जाऊंगा, साइकिल वगैरह पैदल नहीं जाने वाला, काफी दूर है, थक जाता हूँ। ठीक है जाओ, पर हेलमेट लगा के जाना और स्पीड में बाइक चलाना। पिताजी हेलमेट हेलमेट जरूरी नहीं है। पिताजी छोड़ो हेलमेट को, बाल खराब हो जाते हैं। और कहाँ चले हेलमेट का, तुम्हारी जान से ज्यादा छोड़ना है बाल। अरे अच्छा चलो छोड़ो, ले लेते हैं बाद में बताए दे देंगे। ये हेलमेट चाबी दे दीजिए आप, और ये बाइक की चाबी। ठीक जाओ। अरे जो भी उसके आसपास व्यक्ति हो, उसे उसका प्राथमिक उपचार करके शीघ्र से शीघ्र अस्पताल पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि उसका जीवन बच सके। लेकिन प्रायः ये देखा गया है कि बहुत से व्यक्ति एक्सीडेंट्स को देखकर भी अनदेखा करके वहां से निकल जाते हैं, जिससे घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। सरकार के द्वारा ये भी नियम में संशोधन किया गया है कि अब यदि कोई भी व्यक्ति किसी घायल को अस्पताल में एडमिट कराएगा तो उसे किसी प्रकार की भी परेशानी नहीं होने दी जाएगी, न पूछताछ की जाएगी, बल्कि प्रशासन द्वारा ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जो घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं और उनकी जान बचाते हैं। इस मौके पर शिक्षिका कुसुम चौहान ने कहा कि छात्र लघु नाटिका के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम बच्चों में यातायात के नियमों के बारे में बचपन से ही संस्कार डालेंगे तो निश्चित रूप से ये बड़े होकर यातायात के नियमों का पालन करेंगे और अपने परिवार के लोगों को भी यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेंगे। लघु नाटिका की सुंदर प्रस्तुति का वहां चौराहे पर आसपास खड़े लोगों ने काफी सराहा तथा तालियों के माध्यम से छात्रों का उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य मेजर राजीव ढल, श्री ग्रंथ सिंह, कुसुम चौहान, कपिल यादव, दीप्ति सिंह व बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज सिविल लाइन मुरादाबाद के छात्रों के द्वारा यातायात माह के अंतर्गत एक लघु नाटिका के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया है। आज दुनिया में देखें कि सबसे ज़्यादा जो मौतों का कारण है वो एक्सीडेंट है। छोटी सी लापरवाही और ट्रैफिक के नियमों का पालन न करने के कारण लाखों लोग प्रतिवर्ष काल के मुंह में ग्रस्त हो जाते हैं। तो हमें ऐसे अगर थोड़े से नियमों का पालन करेंगे, ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे, हम निश्चित रूप से अपना भी जीवन सुरक्षित रखेंगे और दूसरों का भी जीवन सुरक्षित रखेंगे। फिर विद्यालय के माध्यम के छात्रों के माध्यम से हम लोगों ने जागरूक करा और छात्रों ने बताया कि हमें, आप लोग देखिए कि कई बार ये होता है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। हमें वीडियो नहीं बनाना, उसे प्राथमिक उपचार देके और तुरंत अस्पताल में पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। हमें दोपहिया वाहन चलाते समय हमें मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हमें हेलमेट लगा के प्रयोग करना है, हेलमेट लगा के गाड़ी चलानी चाहिए। चाहे हम चार पहिया वाहन कार वगैरह चला रहे हैं तो हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। और इसी यही संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं और लोगों ने भी इन बच्चों के प्रयास को सराहा, काफ़ी तालियां बजाई छात्र लोगों ने,
और मुझे उम्मीद है और छात्रों ने भी संकल्प लिया है विद्यालय के कि हम भी ट्रैफिक के नियमों का पालन करेंगे और अब एक मैसेंजर के रूप में अपने परिवार के सदस्यों को भी, हम जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आसपास के सदस्य हैं, उन सबको ये संदेश देंगे कि ट्रैफिक के नियमों का पालन। सर, पुलिस का किस तरह से सहयोग रहा है आपके साथ? पुलिस का हमारे विद्यालय यातायात विभाग के द्वारा, पुलिस के द्वारा समय समय पर विद्यालय में आकर गोष्ठियों के माध्यम से, प्रार्थना सभा में आकर कई बार ये कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसमें छात्रों को यातायात के नियमों के बारे में बताया जाता है और अभी बीच में श्री पवन त्यागी जी, श्री जसबीर सिंह जी, सब इंस्पेक्टर पवन त्यागी जी समय समय पर विद्यालय में आए और उन्होंने छात्रों को प्रेरित करा ट्रैफिक के नियमों का पालन करें।